जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि कौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अध्याय 11 हमने प्रारंभ किया था और कल हमने देखा दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, है ना। और तीनों अंग में क्या विशेषता थी, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये काफ़ी उन्नत स्तर के अंग हैं, एक एटीट्यूड है। यहाँ पर स्वतः अभी स्वतः प्रेम विकसित नहीं हुआ है, राग विकसित नहीं हुआ है। वैदी भक्ति जहाँ पे हमें मन को, इंद्रियों को लगाना पड़ रहा है, उस स्टेज में ऐसी स्थिति का आना ये बहुत कठिन है। तो जिनका जो यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब वो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति की क्या है, बाउंड्री पर है। बस ये हमने कल देखा था, तो आज हम फिर से प्रारंभ करते हैं। अगला अंग है ऑफरिंग ए फेवरेट आर्टिकल। अपनी प्रिय चीज भगवान को अर्पण करना, प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवतम 11:11:41, उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। तो सबसे प्रिय चीज अर्पित करना, तो सबसे प्रिय क्या है, स्वयं। हम सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं, खुद को करते हैं ना, इसीलिए तो हम आत्मरक्षा करते हैं, इसीलिए तो अपना बचाव करते हैं। तो सबसे प्रिय चीज़ है आत्मा, है ना। और अगर व्यवहारिक रूप से हम देखें तो भगवान को कुछ हम अर्पित कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट चीज़ यूज ऑफर करें। हम फल लेके आ रहे हैं तो सबसे अच्छे फल लेके आए, कुछ मंदिर में कुछ दान दे रहे हैं तो सबसे अच्छा लेके आए। जो भी चीज़ भगवान को अर्पित की जा रही है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की हो, है ना। उससे क्या होगा कि हमने जो सबसे अच्छा ढूंढा उसमें हमारा एक सेक्रीफाइस दिख रहा है, हमारे एटीट्यूड में सेक्रीफाइस दिख रहा है। अगर हमने ऐसी जल्दीबाजी करके कुछ भी खरीद लिया और सस्ते में भगवान को दे दिया तो वो हमारा एटीट्यूड दिखा रहा है कि हमने प्रिय चीज़ अर्पित नहीं की, है ना। और यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं जीव गोस्वामी कि एक तो ये है कि अपनी जो प्रिय चीज़ है वो भगवान को अर्पण करना, और जो भगवान को प्रिय है वो अर्पण करना, दोनों इस अंग में आते हैं। एक तो हमें किसी से आसक्ति है, प्रिय है हमारे, तो वो भगवान को दिया जाए, और भगवान को जो प्रिय है वो दिया जाए, है ना। तो हम देखते हैं कि घर कभी कभी डोनेशन कोई देते हैं तो उसमें घर में जो चीज़ काम की नहीं होती है वो डोनेशन में आ जाती है, है ना। तो ऐसा हो सकता है काम की नहीं है लेकिन उपयोगी है, है ना। लेकिन ऐसी मानसिकता नहीं होना चाहिए कि अपने लिए अच्छी चीज़ रखा है और भगवान के लिए कोई भी चीज़ चल जाएगा, भगवान की सेवा में तो किसी भी तरह यूज हो जाएगा, इस तरह से मनोवृत्ति नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब राजा होते थे, जो धार्मिक राजा, तो अगर किसी राज्य को जीत के आते थे तो उस राज्य में सबसे जो अनमोल चीज़ होती थी, सबसे कीमती चीज़ होती थी, वो भगवान को, भगवान के मंदिर को अर्पित की जाती थी। तो ये एक धार्मिक राजा की एक मनोवृत्ति को दिखाता है कि वो केवल लालची नहीं है, केवल लोभी नहीं है कि इसीलिए वो राज्य को जीत रहे हैं, अंततः सब धर्म का पालन करें और उस राज्य में सबसे बेहतर, सबसे अच्छी चीज़ होगी वो भगवान को अर्पित किया जाए, है ना। तो स्वयं के लिए एक साधारण कम में भी चल जाएगा लेकिन भगवान के लिए सबसे बढ़िया होना चाहिए। निज प्रियोपहरणम संस्कृत में है कि जो सब खुद का जो प्रिय चीज़ है वो भगवान को प्रदान करना। एक बार ऐसे प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे शुरुआत के समय में 1966-67 में, तो वहाँ प्रभुपाद जी ने बताया लेक्चर में कि हमें जो सबसे प्रिय चीज़ होती है वो हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो अगले दिन क्या हुआ
कि वहाँ पर किसी ने जूते रख दिए, किसी ने अपनी ड्रग्स रख ली, है ना, किसी ने अपना कुछ ऐसे कपड़ा रख दिया, गिटार रख दिया, और रूम में बहुत सारी चीज़ इकट्ठी हो गई, है ना, LSD भी है, गिटार भी है, जूते भी हैं सब। तो उनको सब प्रिय चीज़ थी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दे दिया। तो इस तरह से ये प्रिय वस्तु अर्पित करना। फिर अगला अंग है कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, परफॉर्मिंग ऑल एंडेवर्स फॉर कृष्ण। तो ये अंग पहले भी आया था, किन्हीं को याद है, इससे मिलता जुलता? हाँ, भोग आदि त्याग कृष्ण सेवर हेतु, कृष्ण से, कृष्ण हेतु। तो कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, और यहाँ भी है तदर्थे अखिल चेष्टतम, है ना। तो कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, चेष्टाएं मतलब प्रयास, सारे प्रयास कृष्ण के लिए करना। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है, लौक की वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूलैव सा कार्य भक्तिम इच्छता। तो लौकिकी और वैदिकी मतलब हमारे शरीर यापन के कार्य और आध्यात्मिक कार्य सभी भगवान को अर्पित करना, है ना। इसमें ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं, सारी चेष्टा मतलब जो लौकिकी है और वैदिकी है, जो साधारण कार्य है जीविकोपार्जन के संबंधित, और जो भक्ति की कार्य है, सब कुछ भगवान को अर्पित करना। तो यहाँ बताया गया है, नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करना चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए और जीव को पार्जन के लिए स्वीकृति। तो दो तरह के कर्म हैं, जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं और जो जीव को पार्जन के लिए। जीव को पार्जन मतलब वो पुण्य से ही करेगा, पाप से नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में भक्त ना केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करें अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के लिए भी कार्य करें। अभी प्रभुपाद जी इसमें एक आधुनिक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी वो जो बुक है कर्मयोग, उसमें बताते हैं कि फैक्ट्री का बटन दबाओ और हरे कृष्णा बोलो, फैक्ट्री का बटन, फैक्ट्री में कुछ कार्य कर रहे हैं और हरे कृष्णा बोलो। तो एक तरह से शुरुआत है, है ना। आप किसी भी अवस्था में हैं वहाँ से भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। जनरली डाउट होता है कि भक्ति मतलब तभी चालू होगी जब सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप जीवन में अपने जीविकोपार्जन में किसी भी अवस्था में वहाँ से चालू कीजिए, और धीरे 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 शुद्धिकरण होते होते फिर आप जो अनुकूल चीज़ें हैं उसको ग्रहण करेंगे और प्रतिकूल हैं उसको त्याग देंगे, है ना। तो लौकिकी और वैदिकी इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो एक सभी तरह के कार्यों को भगवान को अर्पण करना। तो एक जो कनिष्ठ मानसिकता है या भक्ति की जो प्रारंभिक मानसिकता है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की अलग अलग तरह के जीवन होते हैं। एक डिवोशनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, है ना, एक और भी कोई लाइफ, ऐसे अलग अलग लाइफ होती है। तो उसकी डिवोशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, और प्रोफेशनल लाइफ अलग है। लेकिन भक्त है उसके लिए ये सब तीन वैरायटी ही होती है, उसके लिए एक ही लाइफ होती है, डिवोशनल लाइफ। वो उसकी जो पर्सनल चीज़ें भी होती हैं वो इस तरह से वो कहता है कि वो डिवोशनल सर्विस में ही चेंज हो जाती है, या उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका जो जीविकोपार्जन का तरीका है, उसकी जो पूरी चेतना होती है वो जीविकोपार्जन वो इसीलिए कर रहा है जिससे भगवान की सेवा की जा सके, तभी वो तदर्थ है अखिल चेष्टा, तभी वो पूरा होगा, है ना। तो भक्त, तो जैसे कई बार गुरु महाराज से पूछते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में बैलेंस कैसे बनाए, तो महाराज आंसर देते हैं 100% स्पिरिचुअल लाइफ, 0% मटेरियल लाइफ, ये बैलेंस। तो ये इसी सिद्धांत पर है कि सारी चीज़ें, कुछ भी कार्य कर रहे हैं इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये कृष्ण के लिए, है ना। अभी वो कार्य करने का वो तरीका हमको, उसका जो आना तरीका आना चाहिए।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट्स हैं जहाँ पर प्रभुपाद जी वैदिकी और लौकिकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर दो तरह के कर्म हैं, वैदिकी, वैदिकी मतलब वैदिक अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, और लौकिकी है ना, जैसे आपको अनुभव है, देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज, मिल्स, साइंटिफिक रिसर्च वर्क, सो मैनी, दिस इज लौकिकी। सो कृष्णा डज नॉट से, यस, दसुद गोस्वामी डज नॉट से दैट सिंपली बाई वैदिकी एक्टिविटीज, बिग बिग रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, यू कैन बी हैप्पी, यू कैन बी हैप्पी इवन बाई लौकिकी। लौकिकी मीन्स दीज मटेरियल एक्टिविटीज, है ना, प्रभुपाद समझा रहे हैं लौकिकी मतलब फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, है ना। तो ये यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये निर्भर नहीं करता है कि आप यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीज वैदिक रिचुअल्स, बट यू डू यू वॉन्ट टू डेवलप द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ योर कंट्री बाई इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज, यस दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो गुड, हाउ, भगवत परितोषणम, इफ इट इज कंडक्टेड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण देन इट इज गुड। तो भगवत परितोषणम, तो जो लौकिक क्रिया है लेकिन उस जो करने वाले हैं उनका जो मनोवृत्ति है पूरी तरह से फिक्स है कि भगवान के लिए ही वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपनी इच्छाओं प्राइमरी है और भगवान को अर्पण करना सेकेंडरी है ना। जो एक कर्मयोग या वर्णाश्रम में क्या होता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है भगवान के लिए करना है और फिर उसको अर्पण करना है ना। अर्पण की भावना पहले आ गई कि भगवान के लिए कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या होता है मुझे ये करना है और भगवान को अर्पण कर दिया। जैसे कल हम सरेंडर में देख रहे थे, सरेंडर में क्या था कि मेरी इच्छा है ये कार्य करना, तो कार्य करना चालू किया और जहाँ कार्य में फंस गए, भगवान बस आपके ऊपर निर्भर है, सरेंडर कर दिया। वो सरेंडर नहीं है, पहले से ही सरेंडर और फिर कार्य करना चालू किया। फिर यहाँ पर और किस तरह से किया जा सकता है लौकिकी वैदिकी, बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, वॉट एवर वन फाइंड्स प्लीजिंग और एन्जॉयबल ही शुड इमीजिएटली ऑफर टू द सुप्रीम लॉर्ड। जो भी उसको संसार में कुछ अच्छा मिलता है उसे भगवान को तुरंत ऑफर करना चाहिए। इवन हिज वाइफ, चिल्ड्रन, होम, वेरी लाइफ हेयर ही शुड ऑफर एट द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। आगे बताया जा रहा है, यहाँ बता रहे हैं कि जो भी हमारे पास भौतिक संपत्ति है, जो हमें पूर्ववर्ती कार्य पूर्ववर्ती कर्मों से मिली है, वो सब भगवान को ऑफर करना चाहिए, है ना। ऑल सच मटीरियल ऑपुलेंसेज एक्यूमुलेटेड बाई वंस प्रीवियस कर्म शुड बी यूज एज एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वंस फेम, एजुकेशन, वेल्थ एंड सो ऑन शुड ऑल बी यूज टू कैरी आउट द मिशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और कैसे कर सकते हैं, अब इसमें बताए गए विश्वनाथ चकवी ठाकुर बता रहे हैं कि वन कैन ऑफर वंस वाइफ, चिल्ड्रन, होम टू द लॉर्ड। कि कौन, कोई व्यक्ति अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर को भगवान को कैसे अर्पित कर सकता है, बाय कन्वर्टिंग वंस फैमिली इनटू डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ऐसा नहीं कि छोड़ने की बात हो रही है ना, रेदर देन बिकमिंग आर्टिफिशियली पब्ड अप इन द परस्यूट ऑफ सो कॉल्ड स्टेटस सिंबल, वंस फैमिली शुड बी ट्रेन टू अंडरस्टैंड दैट दे आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो वही है, यहाँ अलग अलग नहीं है कि मटेरियल लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग है, घर का जीवन अलग है, भगवान की जो सेवा कर रहे हैं वो अलग है, वो सब एक ही चल रहा है, वो 24 घंटे है, वो सब एक ही चल रहा है, वो कोई अलग अलग एक्टिविटी नहीं है। हमारा मन क्या होता है, कंपार्टमेंट बनाता है, इस कंपार्टमेंट में ये चलेगा, इस कंपार्टमेंट में ये चलेगा, वो कोई कंपार्टमेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। तो किस तरह से घर को, परिवारजनों को कैसे अर्पित किया जा सकता है, अगर उनको भक्त में चेंज परिवर्तित कर दिया जाएगा।
आगे जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बता रहे हैं लौकिकी और वैदिकी में, उसमें बता रहे हैं कि कोई है जो सन्यास लेंगे, त्रिदंड सन्यास लेंगे, और कुछ लोग जो हैं जो अपने घर में रहकर, है ना, उनके दान है, तपस्या है, मंत्रों का उच्चारण है, उनका घर है, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, सब कुछ भगवान को अर्पित करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, लेकिन जो वैराग्य का स्तर है अंदर से वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यस बाहर से, मतलब एक्सटर्नली जो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं उनके लिए जो वैराग्य के बहुत सारे नियम हैं वो अधिक हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में ऐसे अलग अलग आश्रम नहीं। भगवान की दृष्टि में तो साधक है जो भक्ति कर रहा है, तो चाहे वो गृहस्थ आश्रम में है चाहे संन्यास आश्रम में, तो दोनों के लिए वो वैराग्य का स्तर बराबर ही होना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रकटीकरण है वो अलग अलग हो सकता है, है ना। अभी ऐसा नहीं कि गृहस्थ है और वैराग्य है, तो वैराग्य ऐसा है कि बच्चे हैं या पत्नी है या जो संरक्षण में है उनका हम ध्यान ही दे रहे हैं या उनको ऐसे छोड़ दिया है, जो एक बेसिक कंफर्ट की आवश्यकता है वही छोड़ दिया है, किसके नाम पर, वैराग्य के नाम पर, तो उसकी बात नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली भगवान की दृष्टि में हर कोई साधक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई ऐसा बोले कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो इतना नहीं कर पाएंगे, इतने नियम पालन नहीं कर पाएंगे या इतना फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो भगवान के लिए कोई गृहस्थ, ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं है, भगवान के लिए जीव है जो भक्ति साधना कर रहा है, ठीक है। तो अंदर से वैराग्य का स्तर सबका बराबर ही होना चाहिए, जैसे भगवान छठे अध्याय के शुरू में बताते हैं, 18वें अध्याय की शुरुआत में बता रहे हैं, है ना, कि अनाश्रिता कर्म फला, कि वो चाहे वो सन्यासी है चाहे वो गृहस्थ है, है ना। फिर गृहस्थ जो है, जैसे हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रिनन्सिएशन है वो ब्रह्मचारी और सन्यासी आश्रम के लिए है ना, और जो गृहस्थ आश्रम है उसमें जो बेसिक नीड्स हैं परिवार की या आश्रित लोगों की वो चलाने के लिए वो आवश्यक है, लेकिन भौतिक जगत से जो डिटैचमेंट है वो समान स्तर का होना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे 12 महाजन हैं तो 12 महाजन में से 7 महाजन गृहस्थ आश्रम में है और 5 महाजन ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम में। तो सभी महाजन हैं, है ना, सभी शुद्ध भक्त हैं, चाहे वो गृहस्थ हों या फिर ब्रह्मचारी सन्यासी हों, लेकिन सबका वैराग्य का स्तर वो बराबर। तो ये लौकिकी वैदिकी, उसके सारे कार्य, उसका जो पूरा जीवन है वो भक्ति के लिए, वो अलग अलग पार्ट्स में जीवन नहीं बटा हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको हम याद भी कर सकते हैं। फिर अगला है शरणागत होना, शरणापत्ति। हरि भक्ति विलास में बताया गया, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन, वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है, है ना। मन, वचन, शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वह दिव्य आनंद ले सकता है। दूसरा है नृसिंह पुराण से, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आता है वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। तो पहला उदाहरण जो है प्रोटेक्शन का है और दूसरा उदाहरण शेल्टर का है, है ना। पहले उदाहरण में भक्त भगवान के लिए पास जा रहा है सुरक्षा के लिए और दूसरे उदाहरण में जा रहा है शेल्टर के लिए। फिर शरणागति के 6 अंग क्या है आदित्य? अमरीश, शरणागति के 6 अंग। वसुधा प्रभु, शरणागति के 6 अंग।
हिंदी में बता दीजिए। चार हुए रुचि भगवान को पूरा आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण और रुचि त्रिलोक प्रियवत्प। अरे ये तो बहुत बेसिक शरणागति की इच्छाएं है ग्रीपू, दीनता विनम्रता। तो ये छह अंग अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गुप्तत्व वरण तथा आत्मनिक्षेपणम कार्पण्य सद्विदा शरणागति। और इसको बंगाली में भी है हिंदी में भी है, तो ये एटलीस्ट छह अंग सबको याद होना चाहिए। एटलीस्ट जिनका शरणागति हो गया है, दीक्षा हो गया है, उनको तो शरणागति हुआ, तो किस लिए हुआ शरणागति? इच्छा अंग को पालन करने के लिए। भगवान पालन करता है, मेंटेनर। फिर अंतिम है आज का तुलसी इत्यादि वृक्षों का सेवा करना। तो ये पहले भी हमने पढ़ा था, कहाँ पे था ये तुलसी महारानी की सेवा? एक किन्हीं को याद है? तो दस में था वो, क्या उसका नाम क्या था? सात्विक प्रभु, हाँ, बरगद, पीपल, वैष्णव, गाय, ब्राह्मण, तुलसी महारानी, उन सबका सेवा करना। ओके, तो अभी यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे तुलसी महारानी की क्या महिमा है, तुलसी महारानी की क्या सेवा की, कैसे सेवा की जाए, और तुलसी महारानी की सेवा करने से क्या हो। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान वृक्ष का, भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली श्लोक है, दृष्ट्वा स्पृष्टा तथा ध्यायता कीर्तिता नामिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी सुभा। कोई देखता है, स्पर्श करता है, ध्यान करता है, रोपित करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, सबको इसमें लाभ होगा। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि वैष्णव नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। हम देखते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी के समय पर वेस्ट में तुलसी के उस समय वृक्ष नहीं थे, और वहाँ का जो वातावरण है बहुत ठंडा है, इसीलिए उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या हैं गोविंद देवी दासी, तो उन्होंने शायद हवाई में तुलसी का एक पूरा गार्डन बनाया था और उसमें तुलसी जो पौधे हैं उनको उगाया था, और बाद में वहाँ से जितने भी तुलसी पौधे थे अलग अलग सेंटर्स में भेजे गए। तो प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न थे उनकी सेवा से कि प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम के तात्पर्य में इसको लिखा है कि एक मेरे शिष्या ने इस तरह से तुलसी गार्डन बनाकर और वेस्ट में उसमें कॉन्टेक्स्ट चलता है कि ध्रुव महाराज जब जाते हैं जंगल में तपस्या करने, तो जंगल की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वहाँ पर भगवान की मतलब ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तुलसी महारानी को लगाना
और जो तुलसी महारानी को वेस्ट में जो जो एक डिवोटी लेके आए हैं उनका नाम प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा है। तो यस, स्कंद पुराण में तुलसी विषय एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वो सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तो ये तो पहले भी हमने चर्चा किया था, प्रभुपाद जी का कोट था कि तुलसी महारानी का वृद्धि विकास अच्छी तरह से है तो सारे भक्तों की भक्ति सही चल रही है। अगर कुछ अपराध कर रहे हैं या भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो तुलसी महारानी की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, है ना। फिर प्रभुपाद जी के अलग अलग कोट्स हैं जिसमें तुलसी महारानी के बारे में बताया गया। तो तुलसी महारानी का जो शरीर है वो पूरा आध्यात्मिक है, है ना। जो पौधा है वो पूरा आध्यात्मिक है, है ना। जड़ है, पत्ती है, शाखा है, हर चीज़ आध्यात्मिक। और जैसे पहले प्रश्न आया था कि हर पौधे में क्या अलग आत्मा है, एक पौधा है तो उसमें एक आत्मा है, दूसरा पौधा एक आत्मा, ऐसा नहीं है। तुलसी महारानी अपना विस्तार कर सकती है। तुलसी महारानी क्या है, अंतरंगा शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति कितने भी रूपों में कितने भी विस्तार कर सकते हैं। ऑल दो तुलसी अपियर्स एज मैनी इंडिविजुअल ट्रीज सीज वन पर्सन, है ना। प्रातः समय भक्तों को जल अर्पण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। तुलसी महारानी को जो पक्षी हैं और कीड़े हैं उनसे बचाना चाहिए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और तुलसी महारानी वहाँ पर उनका वृद्धि नहीं हो पा रहा है तो अच्छे से प्रबंध करना चाहिए। एक कमरे के अंदर, एक कक्ष के अंदर जहाँ पर तुलसी महारानी को रख कर उनका अच्छी तरह से सेवा किया जा सके। एवरी डे प्रोवाइड तुलसी फ्रेश एयर वाटर, है ना, एंड सनशाइन। तो यहाँ एक नोट है कि बहुत ज़्यादा पानी, आवश्यकता से अधिक पानी डाल दिया, यह पानी प्रॉपरली नहीं डाला है तो फिर तुलसी महारानी का ग्रोथ कम हो जाए। नेग्लेक्ट टू केयर फॉर एंड वाटर तुलसी प्रॉपरली इज ए ग्रेट ऑफेंस। अगर हमने नेग्लेक्ट किया या अच्छी तरह से सेवा नहीं किया तो ये बहुत बड़ा अपराध है। जब तुलसी महारानी का उसको उनको पत्तियों को तोड़ा जाता है तो तुलसी अमृत जन्मसी सदा त्वम केशव प्रिया केशवार्थम चिनोमी त्वम वरदा भव शोभने, ये मंत्र है जो तुलसी महारानी को उड़ते समय बताया जाता है, है ना। ओ तुलसी यू आर बॉर्न फ्रॉम नेक्टर, यू आर ऑलवेज वेरी डियर टू लॉर्ड केशव। नाउ इन ऑर्डर टू वर्शिप लॉर्ड केशव आई एम कलेक्टिंग योर लीव्स एंड मंजरीज, प्लीज बेस्टो योर बेनेडिक्शन ऑन मी। फिर तुलसी महारानी को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो मंजरी के पास जो मंजरी होती है, मंजरी के पास जो पत्ती होती है, मंजरी के साथ में तुलसी पत्र को तोड़ना चाहिए। ऐसे तुलसी पत्र को तोड़ना चाहिए जो मंजरी के पास में, और जो मंजरी बहुत छोटी है उनकी ग्रोथ अभी चालू हुई है उसको तुरंत को काट देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मंजरी होती है वो तुलसी महारानी की पूरी जो शक्ति है उसको, एनर्जी को खींच लेती है और पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। और जो ड्राई है, जो पत्तियाँ ड्राई हैं, जो बस झड़ने वाली हैं, टूटने वाली हैं, या जो गमला है उसमें ऑलरेडी गिर चुकी हैं उनको उठाकर, या जो ड्राई जस्ट टूटने वाली है उन्हीं पत्तियों को पहले लेना है, और जो मंजरी के आसपास फ्रेश हरी हैं उनको तोड़ सकते हैं। डोंट शेक एंड स्ट्रोक द ब्रांच एंड डैमेज हेल्दी लीव्स, पूरा एकदम पौधे को ऐसे हिला नहीं देना है पूरा। वो व्यक्ति है, एक पर्सन के साथ हम डील कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि तुलसी महारानी एक व्यक्ति है। फिर से बताया गया है तुलसी महारानी को जो तोड़ना है प्रातः समय, नाइट में कभी नहीं तोड़ना, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच में कभी नहीं तोड़ना, सूर्यास्त के बाद तुलसी महारानी नहीं तोड़ना।
नेवर यूज केमिकल स्प्रेस ऑन तुलसी, कभी केमिकल स्प्रे यूज नहीं करना। कलेक्ट लीव्स वंस इन द मॉर्निंग फॉर वर्शिपिंग कृष्णा, सुबह सुबह पान के लिए, और जो ऑफरिंग कर रहे हैं हर जो भी ऑफर करने वाले हर में एक एक तुलसी पत्र होना चाहिए। फिर तुलसी गार्डन गार्लेंड, तो जो विष्णु तत्व हैं, जो भी विष्णु तत्व हैं, जैसे पंच तत्व में चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य, तो केवल विष्णु तत्व को ही तुलसी महारानी की जो माला है वो पहनाई जाएगी या उनके चरणों में रखा जाएगा। जो जीव तत्व है और शक्ति तत्व है उनके चरणों में तुलसी महारानी को नहीं रखते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ पंच तत्व है तो पंच तत्व में तुलसी गार्लैंड हम नहीं पहना सकते, है ना, केवल विष्णु तत्व ही पहनाते हैं। और कई बार क्या होता है, कई मंदिर में अगर तुलसी महारानी श्रीमती राधा रानी है उनको तुलसी गार्लैंड देना है तो उनके हाथ में तुलसी गार्डन रख देते हैं या उनके हाथ में तुलसी पत्र रखते हैं, तो श्रीमती राधा रानी तुलसी महारानी को भगवान कृष्ण को ऑफर कर रही है ना, उनको पहनाई नहीं जाती है या चरणों में नहीं रखी जाती। जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो भी भगवान स्वीकार करते हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं, पीली हो गई हैं या एकदम से सूख गई हैं वो भी ऑफर की जा सकती हैं। जो तुलसी पूरा प्लांट है, जो लकड़ी है ना, उससे जो कंठी माला है, जप माला है ना, वो बनाया जाता है। तुलसी लीव्स को कभी भी चाय में, जूस में उपयोग नहीं करना चाहिए, जूस बनाने में, चाय बनाने में। और तुलसी महारानी किसी पात्र में है और फिर उस पात्र को गर्म करना, वो भी क्या है, अपराध। तो अगर ऑफर होके आया है कुछ और एक पात्र में हमें दोबारा गर्म करना है अलग से और उसमें ऑलरेडी तुलसी महारानी ऊपर दिख रही है, तो वो तुलसी महारानी को हटा के उस पात्र को गर्म किया जाए। तुलसी महारानी के साथ में किसी भी ऑफरिंग को गर्म नहीं करना है। तो चाय की तरह, जूस की तरह, मेडिसिन की तरह, ऑइंटमेंट की तरह कोई भी तुलसी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है। और कभी भी तुलसी महारानी के साथ किसी चीज़ को गर्म नहीं करना है। तुलसी महारानी की छाया है उस पर भी नहीं चलना। जैसे हम परिक्रमा करते हैं तो अगर छाया है तो वो छाया पे हमें नहीं चलना चाहिए। एक प्रभुपाद जी की मेमोरीज में आता है कि प्रभुपाद जी वेस्ट में कहीं थे तो रोड के पास में तुलसी महारानी लगी थी, अच्छी बड़ी घनी, तो उसकी छाया बन रही थी। तो प्रभुपाद जी बहुत संभल संभल के उसको देख देख के ऐसे आगे पीछे होकर चल रहे थे। तो तुलसी महारानी की छाया है वो भी क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उस छाया पर भी नहीं चलना चाहिए। तो ये तुलसी महारानी की सेवा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में फिर काफ़ी इसमें विस्तार से बताया गया है कि तुलसी महारानी की जो सेवा करते हैं मंदिर में है, घर में है, उसके मढ़ है, तुलसी मंजरी है, उसकी बहुत विस्तार से इसमें गुणगान किया गया है। तो इसे हम चर्चा नहीं करेंगे। जनरली इसमें मुख्य दो पॉइंट बताए गए हैं कि अलग अलग तरह के जो पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और भक्ति प्रदाता है, भक्ति प्रदान करती है। तो ये हमारा चैप्टर 11 जो है आज पूरा हो गया। हरे कृष्ण। हाँ जी कृष्ण, कौन से दिन नहीं, द्वादशी के दिन, जी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ एकादशी को तोड़ सकते, हाँ तोड़ सकते हैं। वास्तव में महीना तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इस तरह से होते हैं। एकादशी, संडे, मंडे तो एक आधुनिक कैलेंडर है। स्टेम, छोटी छोटी डंडियाँ जो सूख जाती है। न्यूजीलैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, क्या इम्पोर्टेंट होती है, लोग सुखा
हाँ, इसमें भी कई पॉइंट आया था। तुलसी वुड्स कैन बी यूज टू कार्व वर्सिप पैराफर्निलिया सच एज बीड्स, प्लेस लेफ्ट ओवर तुलसी वुड विद इन द अर्थ। तो ये तो अलग है, इसके बारे में तो वर्णन नहीं है, लेकिन ये कर सकते हैं ऐसा। इसके लिए आपने लेक्चर भेजा था, क्या था उसमें? क्या चावल महाराज बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी हरिभक्त विलास में चरवण शब्द लिख रहे हैं, चबाना। तो हरि भक्ति विलास में तुलसी महारानी के लिए शब्द लिखा गया चरवणम, महाराज का लेक्चर है तो उसको हम चबा सकते हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु की, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।